दोस्तों आपने YouTube पे बहुत सारी PUBG Mobile की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस देखी होंगी और अभी आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि मैं तो फ्री यूसी और रॉयल पास के वीडियोस डालता हूं तो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में कहां से आ गया। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा कंटेंट स्विफ्ट करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा PUBG Mobile की टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट रूम्स के बारे में। जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा PUBG Mobile में बहुत सारे घर होते हैं, घर में दरवाजे होते हैं, तो आप लोग दरवाजे ओपन करके सिंपली जा सकते हो, कोई भी वहां पर जा सकता है। लेकिन PUBG Mobile के अंदर अंदर बहुत सारी ऐसी ग्लिचेस है जिसके कारण आप लोगों को यहां पर दो तीन सीक्रेट रूम्स के बारे में बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग घुस सकते हो एंड उसके बाद में आप लोग वहां से किसी को भी किल कर सकते हो। मतलब अगर आप एक अच्छे खासे कैंपर हो और कैंपिंग करना चाहते हो तो आप उन सीक्रेट रूम में घुस के और अगर जोन ने आपका साथ दिया तो आप लोग चिकन डिनर ले पाओगे और कंकरर में काफी आसानी से पुश कर पाओगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये सब चीजें हैं ना, ये सब चीजें ग्लिच से आती हैं। जैसे जैसे PUBG Mobile के अपडेट्स आते हैं वैसे वैसे ग्लिचेस भी आ जाती हैं, तो ऐसे ही नए अपडेट के साथ ही मैं यहां पर आप लोगों को एक PUBG Mobile का ग्लिच मिल रहा है जिससे आप लोगों को सीक्रेट रूम मिल जाएगा। सीक्रेट रूम में आप लोग बैठ सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो और वहां आप लोगों को कोई नहीं देख पाएगा बल्कि आप सबको देख पाओगे, मोली कर पाओगे, नेड कर पाओगे, गन वगैरह चला पाओगे। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने गिव अवे विनर्स की बात कर लेते हैं, यूसी विनर्स की। तो यहां पर आप लोगों को नाम सो रहा होगा, इन दो लोगों को मैंने यूसी दे दी है। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता है कि मैंने ये क्यों दी है तो मैं बता देता हूं कि दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो यहां पर आप लोगों को यूसी गिव अवे मिलता है 1000 यूसी का। कैसे मिलता है, आप लोगों को केवल इस वीडियो को लाइक करना रहता है, लाइक टारगेट रहता है एक वीडियो का जो कि है आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट 5K लाइक्स का। तो आप लोगों को केवल इस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में जाना है, बहुत सारे कमेंट कर देना है जो भी आप लोगों को लगे और वीडियो पूरा देखने के बाद में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना है और आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टिप्स नंबर 1 के ऊपर। तो टिप नंबर 1 है जो मैं आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं, ये सबसे पहले सीक्रेट रूम बाद में बताऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग इस पेड़ में कैसे चढ़ सकते हो। ये जगह आप लोगों को नोवो मिलेगी एंड यहां पर भी आप लोग काफी अच्छी कैंपिंग कर सकते हो। तो आप लोगों को केवल जंप वाला बटन बार बार दबा के रखना है, प्रेस करना है यहां पर आके एंड आने के बाद में बूम गाइज यहां पर आप लोग आ जाओगे ऊपर। उसके बाद में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि आगे जाना है क्रोसियर को और उसके बाद में आप यहां पर जंप करना। उसके बाद में जब आप लोग जंप करोगे तो बूम गाइज देख सकते हैं आप लोग इस पेड़ पे आ चुके हो। बड़ी इजिली आप यहां से कैंपिंग कर सकते हो, यहां से किसी को भी किल कर सकते हो क्योंकि नोवो में जब बहुत सारे बंदे उतर जाते हैं तो भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम जाए तो जाए कहां, करे तो करे का। तो यहां पर आप लोग प्रोन भी हो सकते हो और यहां का व्यू आप लोग ले सकते हो क्योंकि जो भी गाड़ी वगैरह आती है वो रोड से ही आती है तो आप लोग उनको बड़ी इजिली किल कर सकते हो यहां से सबको। तो दूसरी जो ट्रिक नंबर है वो भी आप लोगों को नोवो मिलेगी, आप लोग इनके ऊपर कैसे चढ़ सकते हो क्योंकि यहां पे भी आप लोग काफी अच्छी कैंपिंग कर सकते हो क्योंकि जब कंटेनर्स में लड़ाई होती रहती है तो हमें यह रहता है कि हम कैसे पुश करें अलग अलग एनिमीज को क्योंकि जब दो टीमों की फाइट होती रहती है तो हम सोचते हैं कि थर्ड पार्टी कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोग बड़ी इजिली चढ़ सकते हो सारे के सारे कंटेनर्स में, ये जो वेयर हाउस बने हैं छोटे वाले, तो छोटे वाले वेयर हाउस पर आप लोग यहां पर जंप कर सकते हो, मतलब पहला दूसरा तीसरा और चौथा बड़ी इजिली यहां पर आप लोग ऐसे जा सकते हो और पीछे झुक के मार सकते हो या फिर करके। तो मतलब ये तो नॉर्मल ट्रिक है जो शायद आप लोगों को पता होगा। तो इसके बाद में हम मूव करते हैं तो हमारी तीसरी ट्रिक के ऊपर। तो तीसरी ट्रिक भी आपको शायद पता होगी ये वाली, तो इस वाले घर में कैसे चढ़ना है ऊपर के साइड कैंपिंग अगर करनी है तो पूरी की पूरी कैंपर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। तो आप लोगों को करना क्या है, जब आप ऐसे घर में आओगे, जैसे ऐसे घर आप लोगों को बहुत जगह मिल जाएंगे पोचिंग की वगैरह में, तो यहां पर एक कार्टून टाइप का या फिर कबर्ड टाइप का छोटा सा डिब्बा रखा होगा। तो इस डिब्बे के ऊपर क्या करना है, आप लोगों को जंप वाला बटन दबाना है एंड जंप वाला बटन दबाने के बाद में यहां पर आप लोगों को विंटर मोड में एक यूज वाला बटन दिखेगा स्केटबोर्ड का, तो आप लोगों को बस यूज करना है और जंप वाला बटन दबाना है दोनों साथ में, यूज और जंप, यूज और जंप, यूज और जंप, और आप लोग यहां पर आ जाओगे। तो ये जो ट्रिक है ना ये शायद पहले वर्क नहीं कर रही थी लेकिन अभी वर्क कर रही है ये वाली ट्रिक काफ़ी कमाल की इसलिए है क्योंकि कैंपर्स के लिए काफ़ी आसान है क्योंकि देखो यहाँ से आप कैंपिंग करके, क्योंकि ये हमें एक हाई व्यू दे देता है जिसके कारण हम ऊंचाई से देख सकते हैं और सबको किल कर सकते हैं। कोई सोचेगा भी नहीं कि हम यहाँ पर कैसे आए, वो या तो सोचेगा कि हमने हैक वगैरह किया या फिर हम कोई प्रो प्लेयर है या फिर हमने हाई जंप वगैरह हैक की है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। तो ये वाली जो ट्रिक थी ना ये विंटर मोड में काम करेगी एंड इसके बाद में जो मैं आप लोगों को बताऊँगा वो पूरी की पूरी सीक्रेट रूम के बारे में होगी। तो यहां पर देखो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर आप लोग खड़े होकर लेट सकते हो, प्रोन हो सकते हो। तो प्रोन हो जाओगे ना तो आप लोगों को यहां पर कोई भी नहीं देख पाएगा अगर वो नीचे रहेगा क्योंकि ये व्यू आप लोगों को बहुत अच्छा मिल जाता है क्योंकि ऐसे घर आप लोगों को हर जगह मिल जाते हैं, लाइक आप लोगों को नोवो में मिल जाएगा, जोर्जपुल में मिल जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को पोचिंकी के साइड में मिल जाता है, आप लोगों को यासना पोलियाना में मिल जाता है, उसके बाद में जब आप यासना पोलियाना से आगे जाते हैं वहां पर मिल जाता है, मतलब ऐसे घर मिल ही जाते हैं नॉर्मली बहुत जगह। तो आप लोग यहां पर काफी अच्छी कैंपिंग कर सकते हो। तो अब मैं आप लोगों को
बता देता हूँ कि सीक्रेट ट्रिक के बारे में। तो सीक्रेट ट्रिक क्या है, तो आप लोगों को मैं बता दूँ, आप लोग ये जो बस देख रहे हो, आप लोगों ने ये सब बस भी देखी होंगी, तो इन सब बस में आप लोग कैसे जा सकते हो। तो ये सब बस में जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर कैसे चढ़ सकते हो। बड़ी ईजिली बताऊँगा आप लोगों को, मतलब कि ये जो ये आप लोगों ने देखा होगा यासनाया पोलियाना में आप लोगों को ऐसी बिल्डिंग मिल जाएगी 3-3 फ्लोर की, एंड उसके बाद में ये एक्चुअली स्कूल का जो अपार्टमेंट वाला साइड है यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोग कैसे पूरे के पूरे ऊपर तक जा सकते हो, मतलब कि टेरिस तक बस यहाँ पे खड़े खड़े। तो करना क्या, आप लोगों को यहाँ पर आना है, सबसे लास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसा बॉक्स टाइप का मिलेगा, आपको इस बॉक्स टाइप पे बार बार जंप करना है, केवल बहुत बार जंप करना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ जंप वाला बटन दबाते रहना। तो जैसे जंप वाला बटन दबाओगे तो एक टाइम पैसा आएगा, मैं भी ट्राई कर रहा था लेकिन नहीं हो रहा था, तो आप लोगों को क्या करना है, बस जंप करना है। जंप करने के बाद में क्या करना है, आप लोगों को यूज़ वाला बटन दबाना है। यूज़ वाला बटन दबाओगे तो आप लोग ऊपर जाओगे, यूज़ और जंप दोनों साथ में दबाओगे ना तो आप लोग ऊपर पहुंच जाओगे। देख सकते हैं जंप वाला बटन दबाया, आप लोगों ने स्केटबोर्ड यूज़ किया और आप बूम गाइस ऊपर आ चुके हो। अब आप लोगों को क्या करना है, फिर से दूसरा डब्बा ढूंढना है, दूसरे डब्बे को ढूंढने के बाद में आप लोगों को उसके ऊपर चढ़ना है, आप लोगों को स्केटबोर्ड यूज़ करना है, फिर आप लोगों को क्या करना है, जंप वाला बटन यूज़ करना है, स्केटबोर्ड और जंप दोनों साथ में। ये देख सकते हैं ये आप आ गए बूम ऊपर की साइड पूरा, और आप लोगों को यहाँ से किसी को भी किल कर सकते हो। अगर कोई बंदा यहाँ पर कैंप कर रहा हो तो वो भाई कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भाई ये बंदा ऊपर आया तो आया कैसे, क्योंकि जो जंप वाली बटन यूज वाली और जंप वाली जो बटन है अपनी स्केटबोर्ड की, काफी सारे लोगों को लगता है नहीं है, खत्म हो गई है। तो जो सीक्रेट ट्रिक है रूम वाली, आप लोगों को ये बस के अंदर कैसे जाना है वो बताता हूं। आप लोगों को एक ऐसा कुछ लाना है और जंप वाला बटन दबाना और बूम गाइस अंदर आ गए। ये कैसे किया मैंने आप लोगों को, मैं एक और बार समझा देता हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि एक आप लोगों को स्नोबॉल ले लेनी है विंटर मोड से, एंड लेने के बाद में जैसा मैंने सेम किया आप लोगों को लोटोस पे कर लेना है, एंड बस के एकदम कॉर्नर साइड में आ जाना है, और आप लोगों को कैमरा एंगल एकदम नीचे की तरफ झुका लेना है, नीचे की तरफ झुका लेना है, और उसके बाद में आप लोगों को थ्रो कर देना है। थ्रो करोगे ना जैसे, और आप लोगों को आगे क्रोसियर को बढ़ाते रहोगे तो आप ये सीक्रेट रूम के अंदर आ जाओगे। तो यहाँ से आप लोग किसी को भी ईजिली, मतलब कि कैंपिंग आप लोग बड़ी ईजिली कर सकते हो, और बाहर जाना है ऐसा नहीं कि मैं आप को फंसा दूंगा यहां पे, आप लोग यहां से बाहर भी इजीली निकल सकते हो, वो भी बता दूंगा। तो यहां पर आप लोग कैंपिंग कर सकते हो, अगर जोन ने आपका साथ दिया तो आप लोग यहां पर बैठ के काफी अच्छी कैंपिंग कर सकते हो। आखिरी में मतलब सारे बंदे को मार लेने देना, आखिरी में बचना तो आप लोग बड़ी इजीली कर सकते हो। मतलब ये एक तरीके का एक सीक्रेट रूम है जो पबजी की तरफ से ऑफिशियली आया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो निकलने के लिए क्या करना है, आप लोगों को फिर से सेम चीज करनी जैसा आने के टाइम किया था, क्रोसियर को आगे तरफ लेना है और आप लोगों को स्नोबॉल फेंक देनी है, और बूम गाइस आप लोग यहां पर बाहर आ जाओगे इस प्रकार से। तो जो दोस्तों हमारी छठी ट्रिक है वो भी यहीं पे काम करेगी, इन सब बसों में। यहाँ पर देख सकते हैं ये आप लोगों को मिलिट्री टाइप की कोई गाड़ी मिलेगी, तो इन सब गाड़ी में आप लोग कैंपिंग कर सकते हो बड़ी इजीली। कैसे जा सकते हो, ये सब गाड़ी के अंदर जा सकते हो आप लोग। अब ये कैसे जा सकते हो, आप लोगों को बचकाना लग रहा होगा लेकिन बताता हूँ कैसे जा सकते हो। आप लोगों को नीचे आना है, यहाँ पर बस आपको लेट जाना है। लेट जाने के बाद में आपको क्या करना है, ये जो विंटर मोड में काम करेगा यूज़ बटन, यूज़ वाला बटन क्लिक करना है। यूज़ वाले बटन पर क्लिक करने के बाद में आपको लगेगा कि आप अटक चुके हो, लेकिन अटकोगे नहीं, आप लोगों को बस यूज वाला बटन दबाना है और गन को एक्सचेंज कर लेना है एक दो बार, और वापस से आप लोगों को फिर जंप वाला बटन दबाना है। ठीक है, जंप वाला बटन दबाना जरूरी है, और यूज वाला बटन और जंप वाला बटन दोनों साथ में विंटर मोड में, और बूम गाइस आप लोग यहां पर देख सकते हैं आ जाओगे। कभी कभी लगेगा कि हम फंस चुके हैं, नीचे आ चुके हैं, लेकिन आपको क्या करना है, फिर से यूज वाला बटन दबाना है। यूज वाला बटन दबाने के बाद में देख सकते हैं, और जंप वाला बटन याद रखना ध्यान से दबाना। तो आओगे तो देख सकते हैं आ चुके हैं, इसके अंदर आ चुके हैं आप लोग, मतलब कि आप लोग इसके अंदर आ जाओगे और आप लोगों को कोई यहां पर सीन नहीं कर पाएगा, कोई देख नहीं कर पाएगा, जो कि काफी अच्छी। देख सकते ये हम अंदर आ चुके हैं, ये अब यहां से आप लोग किसी को भी इजीली किल कर सकते हो। आप लोग अंदर, आपको कोई नहीं देख सकता, लेकिन आप गन चला सकते हो, किसी को भी मार सकते हो। मैं भी आपको यहां पर स्मोक भी करके दिखाऊंगा, मतलब आप लोग यहां पर सब कुछ कर सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। सबसे मेन बात देख सकते हैं, मैंने टायर फोड़ दिया, मतलब आपकी गोली बाहर जाएगी लेकिन बाहर से आपकी गोली अंदर नहीं आएगी, क्योंकि आपको कोई किल ही नहीं कर पाएगा। और यहां से आप लोग बाहर भी जा सकते हो, देख सकते हैं अगर यहां से कोई, यहां पर कोई हो, यहां पर कोई बैठा हो तो आप लोग उसको इजीली किल कर सकते हो। यहां पर मैं आपको स्मोक करके दिखा देता हूं कि स्मोक जाता भी है कि नहीं जाता है। तो देख सकते हैं बड़ी इजीली हमारा स्मोक जा चुका है वहां पे। तो इस प्रकार से आप लोग ये सीक्रेट रूम में जा सकते हो और कैंपिंग बड़ी तगड़ी कर सकते हो और अपने आप को कॉन्करर में पुश कर सकते हो। तो भाई मतलब मैंने जितने भी आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, मेरे को लगता है कि मैंने आपको 4 टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है, और उसके बाद में आप लोगों को मैंने 2 सीक्रेट रूम के बारे में बताया, ये एक मिलिट्री वाली बस की तरफ से और एक ओनली बस की तरफ से। तो आप लोगों को कैसी लगी ये ट्रिक मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। फिलहाल मुझे ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना। फिलहाल दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद वंदे मातरम।